हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मैथ स्टेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यूमेरिकल मेथड्स। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स का हमारे साइंस के कई स्ट्रीम्स में, इंजीनियरिंग में, स्टैट्स में काफी जगह इस्तेमाल होता है। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है बाइसेक्शन मेथड। दोस्तों, ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये एक इटरेशन मेथड होता है जिसमें हम लोग एक स्टेप को बार बार रिपीट करते हैं। तो चलो देखते हैं इस मेथड को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, और इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मुझे इस इक्वेशन के रियल रूट, एक रियल रूट निकालना है, फाइंड द रियल रूट। तो देखिए रियल रूट होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस। अब ये रियल रूट क्या होता है या रूट क्या होता है? दोस्तों, जब भी हम किसी फंक्शन से या किसी भी इक्वेशन से जब कोई कर्व ड्रॉ करते हैं और अगर वो कर्व, ये मैं कर्व ले रहा हूं दोस्तों, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट को रूट कहा जाता है। तो अगर आप इस लोकेशन को ध्यान से देखें तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर आपने जब कभी ग्राफ बनाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा इस तरह से वैल्यूज दी होती हैं और नीचे वैल्यूज होती है इस तरीके से, इस तरफ भी होती है इस पॉजिटिव तरीके से और इस तरफ भी होती है नेगेटिव तरीके से। तो दोस्तों, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके फंक्शन या वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इस रूट के नीचे जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा रूट होता है वो फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग किसी रूट निकालने वाले मेथड को सॉल्व करते हैं बाय इटरेशन मेथड, जैसे है अपना बाइसेक्शन मेथड है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो देखिए, हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है क्या? हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन। मैं इस फंक्शन की नेगेटिव वैल्यूज चाहता हूं और पॉजिटिव वैल्यू चाहता हूं, और ताकि मैं बता सकूं कि मेरा जो रूट है वो उनके बीच में है। तो देखिए, मैं सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर जीरो पुट कर रहा हूं अपनी मर्जी से। तो जब मैं इसके अंदर जीरो पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, विच इज नेगेटिव। अब मैं इसके अंदर वन पुट कर रहा हूं, जब वन पुट करूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस का थ्री, विच इज अगेन नेगेटिव। दोस्तों, मैंने यहां पर वैल्यू पुट करनी है। अब मैं उसके बाद वैल्यू पुट कर रहा हूं एक्स की वैल्यू, टू पुट कर रहा हूं। जब टू पुट करूंगा तो टू का क्यूब कितना होता है? एट होता है। थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, और ये मेरा आ गया प्लस का वन, विच इज पॉजिटिव। अब दोस्तों, यहां पर आपने रुक जाना है। अब देखिए, फंक्शन की वैल्यू वन पर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और फंक्शन की वैल्यू टू पे क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। और जो मेरा रूट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर, और रूट कहते किसे हैं? अंदर वाली वैल्यूज को। तो देयरफॉर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर वन लिख देता हूं, therefore the root of equation number 1 lies between 1 and 2। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। मैंने 0 पुट किया पहले और मेरी वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव आ गई। 0 पे मेरी वैल्यू आ गई नेगेटिव। उसके बाद मैंने वन पुट किया और वन पे भी क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। मतलब जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं इस वाली वैल्यू को छोड़ दूंगा।
उसके बाद जब मैंने 2 पुट किया तो 2 पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। मैं इसके और इधर गया तो वैल्यू मुझे क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब 1 पे मेरी वैल्यू नेगेटिव है और 2 पे मेरी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा रूट इसके और इसके बीच में कहीं पर होगा। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और यहां पर 1 डिनोट कर दिया है और यहां पर 2 डिनोट कर दिया है। जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है कि मेरा जो रूट है इस इक्वेशन का वो 1 और 2 के बीच में है। दोस्तों ये बाइसेक्शन मेथड कहता क्या है, सबसे पहले ये जो आपका 1 है आप इसे डिनोट कर दीजिए x1। लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2। बाइसेक्शन मेथड कहता है कि इस इंटरवल को बराबर दो हिस्सों में ब्रेक करना। तो बाय बाइसेक्शन मेथड ये जो दोस्तों मैं x3 लिख रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन, क्योंकि मैंने इसे x1 माना है, इसे मैंने x2 माना है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं x3। तो जो मेरी फर्स्ट इटरेशन है दोस्तों उसको कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। आपने इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा क्या बना, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3 अपॉन 2 विच इज 1.5। अब ये जो x3 1.5 है ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाइक करता है, विच इज हेयर 1.5। अब दोस्तों मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि 1 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, 2 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, और मुझे पता है कि जो मेरा रूट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो मैं इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दूंगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मैं इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दूंगा, और इसी तरीके से जो मेरा बाइसेक्शन मेथड है वो चलता जाएगा। तो चलो देखते हैं कि 1.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो मैं अब इस फंक्शन के अंदर जैसे कि मैंने यहां पे 1 पुट कर रखा है, नेगेटिव आ रही है, 2 पुट किया है, पॉजिटिव आ रही है, अब मैं क्या पुट करूंगा, 1.5। तो 1.5 पुट करके देखा, 1.5 का क्यूब माइनस 3 × 1.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू माइनस 2.125 which is negative। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इस पॉइंट पे भी जो मेरा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब मैं इस वाली वैल्यू को छोड़ दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, और अब ये स्टेटमेंट लिखूंगा, therefore root of equation number 1 lies between, मैंने पहले क्या लिखा था, 1 and 2, और मैं लिखूंगा lies between 1.5 and 2। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था दोस्तों ये मेरी फर्स्ट इटरेशन है, मैं कर रहा हूं सेकंड इटरेशन। तो अब मैं अगला पॉइंट निकालूंगा x4। तो व्हाट इज x4, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। ये जो बाइसेक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड इटरेशन। जैसे ये इटरेशन है, अब इसके बाद एक और इटरेशन हो रही है, तो ये मेरा आ गया, ये जो हमारा x3 है प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज x3, 1.5 प्लस व्हाट इज x2, इट इज 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों ये मेरा आ गया 3.5 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1.75। तो दोस्तों ये जो 1.75 है यहां पर इसके बीच में होगा। अब सेम उसी प्रोसेस की तरह जो मैं पीछे करता आ रहा हूं, मैंने चेक करना है कि इस पे मेरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आएगी तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, और अगर फंक्शन की वैल्यू इस पे पॉजिटिव आएगी तो मैं इस पे इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो देखिए अब मैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालने वाला हूं 1.75। तो ये मेरा क्या आ जाएगा,
1.75 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.75 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0.89 विच इज अगेन नेगेटिव तो इस पे भी मुझे जो फंक्शन की वैल्यू है वो मुझे क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। तो इसका मतलब मैं इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर दूंगा और अब लिखूंगा देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 लाइज बिटवीन 1.75 एंड 2। तो दोस्तों अब मैं, ये मेरी फर्स्ट इटरेशन थी, ये मेरी सेकंड इटरेशन थी, अब मैं निकालने वाला हूं थर्ड इटरेशन विच इज x5। तो मेरा x5 क्या होगा, x4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, व्हाट इज x4, x4 इज 1.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 3.75 divided by 2 and which is equals to 2.75। इसको हम लोग approximately 1.88 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर ये मेरा 1.88 है, ये मेरा यहां पर कहीं सेंटर में होगा 1.88। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो 1.88 है इस पे वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। वही सेम पिछले की तरह, अगर नेगेटिव आएगी तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा। तो अब फंक्शन की वैल्यू मैं निकालने वाला हूं 1.88 पे, तो ये कैसे निकलेगा, 1.88 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1.88 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.0046 विच इज पॉजिटिव। अब इस पे जो मेरी वैल्यू आ गई है वो आ गई है पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैं इस वाले पॉजिटिव को छोड़ दूंगा और कहूंगा कि जो मेरा रूट है दैट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। तो देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 नाउ लाइज बिटवीन 1.75 which is this and 1.88। ये दोस्तों मेरी पहली इटरेशन थी, ये मेरी दूसरी इटरेशन थी, ये मेरी तीसरी इटरेशन थी और अब मैं उसी तरीके से फर्दर जो है वो इटरेशंस निकालता जाऊंगा। तो जो मेरी चौथी इटरेशन है x6 वो मेरी क्या आएगी, 1.75 प्लस 1.88 डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों अब मैं इस क्वेश्चन के आगे का जो काम है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन जो समझाने वाली चीज है दोस्तों वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बाइसेक्शन मेथड कहता क्या है कि जो दो वैल्यूज हैं उनको आप जोड़ें और 2 से डिवाइड कर दें। दिस इज व्हाट बाइसेक्शन मेथड इज ऑल अबाउट और आपने इस स्टेप को फर्दर बार बार रिपीट करना है और इसी तरीके से रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बताया है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बता दूं कि जो इटरेशंस मेथड्स होते हैं ये कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। अब आपका आपके जहन में एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि ये जो मैंने अपनी फर्स्ट इटरेशन कराई, उसके बाद मैंने आपको सेकेंड इटरेशन कराई, उसके बाद मैंने आपको थर्ड करवाई और फोर्थ करते करते मैंने छोड़ दिया और बोला कि बाकी का काम आप करिए। अब जहन में ये सवाल क्रिएट होता है कि ये जो इटरेशंस का जो प्रोसेस है ये मुझे कहां जाकर खत्म करना है। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन, आपका जवाब कितना है 1.5।
दिस इज योर सेकेंड इटरेशन, आपका जवाब कितना आया 1.75। अब इन दोनों के आंसर में बहुत फर्क है। फिर आपने थर्ड इटरेशन निकाली 1.88। आपने करना क्या है, जो अल्टरनेट इटरेशन हैं, जैसे आपका यहां पर 1.5 आया है, यहां पर कितना है 1.75, तो पॉइंट के बाद तीन प्लेस ऑफ डेसिमल तक आपने आंसर देखना है कि क्या सेम आ रहा है, जो कि यहां पर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपको उसके बाद अगली इटरेशन करनी है। पर उसके बाद जब मैं इसके बाद मैंने अगली इटरेशन क्या करी, ये करी। अब इस इटरेशन में क्या है 1.88, यहां पर कितना है 1.75। यहां पर तो भाई पहली वैल्यू के बाद पहली वैल्यू से आपका जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब आपको फर्दर इटरेशन करनी है। और ये जो इटरेशंस हैं ये आपको तब तक करती रहनी है जब आपकी करंट इटरेशन के बाद का जो जवाब है और जो प्रीवियस वाली इटरेशन का जवाब है वो पॉइंट के बाद अप टू तीन प्लेस ऑफ डेसिमल तक बराबर ना आए। जब आपका इटरेशन का जो जवाब है वो प्रीवियस वाली इटरेशन के अप टू थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल तक अगर बराबर आ जाए तो आपने अपना जवाब जो है वो वहीं छोड़ देना है, आपने उस इटरेशन को फर्दर प्रोसीड नहीं करना है और कह देना है कि देयरफॉर योर रूट इज दिस। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करते हैं।